और श्योर प्रिडिक्शन आपको मिलता है, 80% तो ऑलरेडी एक्यूरेसी, 80-90% आपको पता ही है, तो जाके यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही तो आज के डेट में ऑस्ट्रेलिया का भी मैच विनर, सॉरी टॉस विनर पास करा के दिया है, तो बैक टू बैक यहाँ पे मैच विनर भी ऑस्ट्रेलिया हो गई है। अगर आप लोग जाके ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होना ही होना है। हर वीडियो में बोलता हूँ टेलीग्राम पे जुड़ना हमारे वीडियो में मस्ट है, अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। देखो शुरू करते हैं आज का प्रेडिक्शन। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच मैच है, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैच जीतने की बात करें, देख इंग्लैंड के जीतने का चांस 49%, श्रीलंका के जीतने का चांस 51%, ठीक है। अब ग्राउंड की डिटेल निकाल लेते हैं सिंपली दोस्तों, ग्राउंड का डिटेल क्या कहता है। देखो ये जो ग्राउंड है दोस्तों, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु वाला ग्राउंड होगा। ओवरऑल तो ये ग्राउंड होता है न्यूट्रल, उसके बाद दोस्तों पेशर यहाँ पे ज़्यादा आपको काम आएंगे, पेशर फ्रेंडली ग्राउंड होगा। 367 का फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर बनता है, हाईएस्ट चेज का कोई रिकॉर्ड है नहीं यहाँ पे, 73% फास्टर, 26% आपको इस ग्राउंड पे स्पिनर काम आते हैं। अभी ओडीआई का रिकॉर्ड निकाल लेते हैं, इस ग्राउंड का ओडीआई का रिकॉर्ड क्या कहता है। देखो दोस्तों ओडीआई का जो रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे 247 फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर बनती है, और यहाँ पे सेकंड इनिंग बैटिंग टीम जीतने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग जो टीम बैटिंग करती है उसके जीतने का चांस 44% रहता है, यानी कि सेकंड इनिंग बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड होने वाला है ये। सिंपली ये तो रही ग्राउंड की डिटेल। अब सिंपली आप लोग निकाल लेते हैं टॉस कॉल, टॉस हिस्ट्री और टॉस की सारी डिटेल, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों बता दूं मेरा ओपिनियन क्या कहता है कि आज का जो मैच है कौन सी टीम जीतेगी। मेरा ओपिनियन आज का जो मैच है दोस्तों इंग्लैंड जीत जाएगा। कौन सी टीम दोस्तों? इंग्लैंड। आपको क्या लगता है आप भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। निकालते हैं आप लोगों के लिए टॉस कॉल, टॉस हिस्ट्री और टॉस विनर। तो जी हाँ दोस्तों, सिंपली आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे पहले टॉस हिस्ट्री की बात करेंगे। दोनों ही टीमें यहाँ पे श्रीलंका और इंग्लैंड दोनों ही टीमें दोस्तों चार चार मैच खेल के आई हैं। अगर श्रीलंका की बात करें सिंपली दोस्तों, श्रीलंका चार मैच खेल के आया है। पहला जो टॉस था श्रीलंका वो जीता था, पहला जो मैच था श्रीलंका का उसका टॉस श्रीलंका जीता था। दूसरा वाला टॉस भी श्रीलंका जीता था। तीसरा वाला जो टॉस था दोस्तों वो भी श्रीलंका जीता था। और चौथा वाला जो टॉस था श्रीलंका हारा था दोस्तों। यानी कि चार मैच हुए हैं श्रीलंका 1-2-3 टॉस लगातार जीती है, चौथा वाला टॉस हारी है। आज का ये होने वाला है पांचवा। अब इंग्लैंड की बात करें दोस्तों, इंग्लैंड पहला जो मैच खेला था वो टॉस हारा था, दूसरा वाला भी टॉस इंग्लैंड हारा था, तीसरा वाला टॉस इंग्लैंड जीता था और चौथा वाला टॉस इंग्लैंड जीता था। कहने का मतलब दोस्तों इंग्लैंड चार मैच खेला है, दो टॉस लगातार हारा है, उसके बाद दो टॉस लगातार जीता है। वहीं श्रीलंका की बात करें, तीन टॉस लगातार जीता है, एक टॉस हारा है लास्ट वाला। देखो टॉस कॉल की अब बात कर लेते हैं सिंपली। सिक्का उछालने वाली टीम आज यहाँ पे होगी दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड उछालेगा सिक्का, यहाँ पे टॉस कॉल करने वाली दोस्तों टीम होगी श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, सिक्का उछालने वाली टीम होगी इंग्लैंड और यहाँ पे टॉस कॉल करने वाली टीम होगी दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका करेगा टॉस कॉल और सिक्का उछालेगा इंग्लैंड। आपको क्या लगता है कि आज का जो टॉस है कौन सी टीम जीत जाएगी? आप लोग भी बताओ सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में। और सिंपली दोस्तों आज का जो मेरा ओपिनियन कहता है वो तो मैं बताऊंगा ही। देखो टेलीग्राम पे जुड़ना मस्ट है, यहाँ एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ जो रिपोर्ट बताता हूँ मैं 80-90% सही होने का चांस रहता है। 100% फिक्स और श्योर रिपोर्ट हमारे पास टेलीग्राम चैनल पे मैच शुरू होने के 2 घंटे पहले अपडेट हो जाता है, तो अपडेट हो जाएगा आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पे। खटाखट जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा जो ओपिनियन कहता है दोस्तों, देखो यहाँ पे टॉस कॉल करने वाली टीम होगी दोस्तों श्रीलंका, वहाँ पे सिक्का उछालने वाली टीम होगी इंग्लैंड। मेरा जो ओपिनियन कहता है दोस्तों, आज का जो टॉस है जीतने वाली टीम होगी दोस्तों श्रीलंका। कौन सी टीम दोस्तों? श्रीलंका। मेरा ओपिनियन कहता है कि आज का जो टॉस है श्रीलंका जीत जाएगा। आपको क्या लगता है अभी बता सकते हैं।